भाजपा ने पहले कहा कि हम प्रदेश का जो इलेक्शन है वो और दूसरे प्रदेशों में भी मोदी जी ही चुनावी चेहरा हैं, मोदी जी के ही उसमें नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हिमाचल की परिस्थिति अब ऐसी हुई है जिसमें भाजपा ने एक बहुत बड़ा समझौता किया है। समझौता इसलिए नहीं कि यहाँ धूमल जी के कोई प्रेशर में आके किया है, ये हिमाचल जनता के लिए किया है, ये तो इसलिए किया है कि अभी इनको साफ साफ हार हिमाचल में दिख रही है और जो इनका चेहरा है मोदी जी उसको ये बचाना चाहते हैं कि हार का ठिकरा मोदी जी के सर ना जाए, मोदी जी के मुंह पे ना जाए, जो तमाचा यहाँ के लोग उनको इस इलेक्शन के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए इस हार का ठिकरे को अब धूमल जी के ऊपर डाल रहे हैं। ये इन्होंने किया है, ये कोई कांग्रेस के कहने से नहीं किया कि बिना दूल्हे की बारात थी और इसको अब दूल्हा इन्होंने दे दिया। ये अगर इन्होंने देना होता पहले देते। इन्होंने तो कहा कि हमारी अमित शाह जी पालमपुर में आए और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि एकमात्र बीजेपी का चेहरा है मोदी जी और मोदी जी की अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये कहा था। और अब जब इनको हार दिख रही है तो मोदी जी का चेहरा बचाना चाहते हैं और ये इस हार को अब धूमल जी के सर में उड़ना चाहते हैं कि हमने तो धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, यदि एक प्रांत का चुनाव हार भी गए तो क्या हुआ, वो तो मोदी जी बोल देंगे ये धूमल जी ने ठीक नहीं किया, ये धूमल जी का हमें गलत वो कर दिया।